हेलो गाइस, इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज के ऐसे सवाल देखेंगे जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं और जो आपने आज तक नहीं पढ़े होंगे। सवाल नंबर एक, विश्व जनसंख्या दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? 11 जुलाई 1989 को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। दरअसल 11 जुलाई 1987 तक वैश्विक जनसंख्या का आंकड़ा 5 अरब के पार हो चुका था, जिसे देखते हुए विश्व जनसंख्या दिवस मनाने और जारी रखने का निर्णय लिया गया था। सवाल नंबर दो, किस देश में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ था? जवाब, जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस है। यहां सन 1954 में जीएसटी लागू हुआ था। सवाल नंबर तीन, विश्व की सबसे बड़ी जेल कौन सी है? तिहाड़ जेल, ये भारत में है। तिहाड़ जेल 1957 से अस्तित्व में है और इसमें 5,200 कैदियों को रखने की क्षमता है। सवाल नंबर चार, धरती पर सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? धरती पर सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज ब्रिजमेनाइट है। सवाल नंबर पाँच, प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का क्या नाम था? कवित्री मीराबाई का विवाह उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ था। सवाल नंबर छः, भारत में पूंजी बाजार का नियंत्रण किसे कहा जाता है? पूंजी बाजार का नियंत्रण सेवी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करता है। सवाल नंबर सात, दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी अफ्रीका। यह नदी नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में बहती है। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6,650 किलोमीटर यानी 4,132 मील है। सवाल नंबर आठ, नई दिल्ली में स्थित प्रवासी भारतीय केंद्र का नया नाम क्या है? प्रवासी भारतीय केंद्र का नया नाम सुषमा स्वराज भवन है। सवाल नंबर नौ, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को। सवाल नंबर दस, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। गाइज, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।